हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिफिनिटी टेरोसिक्स, वेयर ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो है अगले कुछ महीने तक आपकी जिंदगी में ऐसा क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव जेंडर न्यूट्रल एंड जनरल प्रेडिक्शन। ठीक है, सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें हम देखेंगे क्या क्या घटनाएं घट सकती है। यहाँ पे हो सकता है रिलेटेड टू योर पर्सनल, हो सकता है प्रोफेशनल, हो सकता है डेफिनेटली बहुत कुछ। ऐसे कुछ क्लैरिटी आपको मैं देने वाली हूँ। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज, व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, एंड कमेंट सेक्शन पे रीडिंग को जरूर क्लेम करें। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम ओरेकल डेक से देखेंगे, उसके बाद हम टैरो से देखेंगे। ओके, सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। की मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके आने वाले समय पे कुछ ही महीनों में क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स। सो बाय द बुक 11 नंबर वी हैव सेरेंडिपिटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि अचानक क्या हो सकता है, सेरेंडिपिटी का मतलब ही है अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, बाय चांस। टू बी फेयर 38 विच अगेन कम्स टू 11, यहाँ पे 11, 18 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आई टू फाइंड देयर इज गंगा जल मैंने छिड़का था यहाँ पे। ओके, ऑल राइट, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कम टू द एज 36, इट कम्स टू 9। सो यहाँ पे 11, 33 नंबर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। 11 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ओके, 29th हो सकता है, या हो सकता है कि यस 9 काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। ऑल राइट, 88 या 888 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। नाउ बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आई डू फाइंड बेसिकली अनएक्सपेक्टेडली आप ना अपने जो बोला जाता है ना कि हो सकता है कि कुछ आपके जो ख्वाहिश थे, कुछ एम्बिशंस होते हैं ना, सब लोगों के अलग अलग एम्बिशंस होते हैं। किसी का एम्बिशन होता है कि येस आई वॉन्ट टू बी, यू कैन से दैट आई वॉन्ट टू बी इन द एयरलाइंस इंडस्ट्री। कुछ लोग ये होते हैं आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी इंजीनियर, आई वॉन्ट टू क्योर पेशेंट्स। इस तरह से अलग अलग लोगों का अलग अलग मकसद होता है जिंदगी में। तो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है आने वाले कुछ महीनों में आप अपने जो सोल पर्पस है, आप अपने जो मिशन है, आप अपने जो करियर है, उसमें काफी ज्यादा आप ध्यान दोगे और बहुत ज्यादा प्लेजर। ठीक है, आपके हार्ट चक्रा भी मुझे दिख रहा है कुछ समय से, हो सकता है किसी रीजन के वजह से ब्लॉक था, लेकिन वो भी धीरे धीरे हील होगा एंड ऑल योर चक्रस विल कम इन टू बैलेंस। कहीं ना कहीं पे आप अपने जो मकसद है उसमें आप चेज करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड यू विल फील वेरी लाइट। आप बहुत ही ज्यादा लाइट फील करने वाले हो। दूसरा चीज है, अगर आपको लगा था, मुझे लग रहा है कुछ, अगर आपके इफ यू आर स्टडिंग लॉ, या हो सकता है कि आप लॉ लेके पढ़ रहे हो, या यू वॉन्ट टू बी अ जज, कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है वहां पे भी सक्सेस मिलेगा, हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के साथ कंसल्ट कर रहे हो। मैं ना जोडियक साइन बता देती हूँ पहले, एक्वेरियस जेमिनाई लीब्रा टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यहाँ पे है। अर्थ साइन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लिब्रा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बाकी हम टैरो कार्ड से देख लेंगे। कहीं ना कहीं पे इंसान जो जिस चीज का वेट करते हैं, इंसाफ का, ठीक है, अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो होना नहीं चाहिए था, बिल्कुल हमारे जिंदगी में ऐसा होता है कि कुछ ऐसा हादसा है जो होना नहीं चाहिए था लेकिन वो हुआ, बट उसमें आपको इंसाफ नहीं मिला, लेकिन बहुत टाइम वेट करने के बाद हो सकता है कि जजमेंट आ रहा है, यू आर गेटिंग दैट, ठीक है, रिवॉर्ड। ठीक है, आपका जो कर्म है उसका आपको फल मिल रहा है। ठीक है, आपने पेशेंस के साथ वेट किया। ठीक है, कहीं ना कहीं पे आप कहीं पे काम कर रहे थे बहुत लगातार, यू कैन से दैट लोग 9 to 5 जॉब करते हैं, लेकिन आप बहुत टाइम से आप अपने काम को घर पे भी लेके आ रहे थे। ठीक है, आप अपने फैमिली लाइफ को भी इतना ज्यादा एंजॉय नहीं कर पा रहे थे,
तो वो आप करोगे, आप अपने पार्टनर के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे थे वो आप करोगे। यू विल ऑल्सो ट्रैवल, आप सोच नहीं पा रहे थे ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, आपका प्लानिंग भी नहीं हो पा रहा था कि अपने फैमिली को बढ़ाए एक्सटेंड करें, तो वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि विल जस्ट एक्सटेंड योर फैमिली। बच्चे का प्लानिंग आप कर रहे हो, बेबी प्लानिंग आप करोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है कि यू विल जस्ट डांस विद जॉय, मतलब इतना ज़्यादा खुशी आप अनुभव करोगे, तो मतलब यू विल फील वेरी, यू कैन से द वो जो शांति मिलता है ना, सुकून, वो अंदर से महसूस करोगे फ्रॉम द सोल लेवल। आपको बहुत ज़्यादा एडवेंचरस टूर ट्रैवल एक्टिविटीज़ का मौका मिलेगा, ट्रेकिंग, माउंटेनियरिंग, इस तरह का कैंप, सोलो कैंप्स में जाना, ठीक है। कहीं ना कहीं पे मतलब नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करना दिल से, अगर आपके कोई हॉबी थे, ठीक है, पैशन था उस चीज़ के ऊपर, लेकिन आप वो नहीं कर पा रहे थे, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था, तो एक प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है। कुछ लोग वेबसाइट्स खोल रहे हैं, कुछ लोग ऑनलाइन में ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रहा है, और अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो, कहीं ना कहीं पे आपके पास टैलेंट है, सर्टिफिकेट्स है, ठीक है, और आप अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हो, कम्युनिकेशन भी दे रहे हो अच्छा से, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक दैट जॉब, ठीक है। कम्पिटिटिव एग्जाम्स है, बहुत सारे लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट तो करेंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका वहाँ पे बेस्ट लेवल पे परफॉर्म करना, ठीक है, और रिजल्ट आप जैसे कर रहे हो, ठीक है, उसके अनुसार होगा, आपको नहीं लगेगा कि नाइंसाफी हुआ है, आपको जैसे जैसे आप करोगे ना वैसे ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। समझ में आ रहा है ना? ओके, अभी हम टैरो डेक से देख लेते हैं। सो आई डू फाइंड कि कुछ ही महीनों में ऐसा कुछ हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, एंड डेफिनेटली ऐसा ही होगा कुछ लोगों के लिए। ऑल राइट, सो देख लेते हैं और क्या होने वाला है कुछ ही महीनों में आपकी ज़िंदगी में, ऐसा क्या खास हो सकता है, कुछ स्पेशल अनएक्सपेक्टेड जो आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। वाओ, नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, वाओ, एस ऑफ वैंड्स, आई डू फाइंड द एम्प्रेस, द लिब्रा, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वैंड्स, टू ऑफ कप्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द हैंग्ड मैन एंड फाइव ऑफ कप्स, ठीक है, मैं आपको बता देती थी। देखो यहाँ पे बेसिकली आई डू फाइंड कि कुछ आइडियाज आपके जैसे है ना, पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर कुछ नेगेटिव दिख रहा है तो मैं भी बताऊंगी, डोंट वरी, ओके। कहीं ना कहीं पे इस तरह से है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है, एंड एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, लिब्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे साइंस आ चुके हैं। बेसिकली अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप आ सकता है जहाँ जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड महसूस करोगे, एंड डेफिनेटली आपको लगेगा कि यस आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ मैं, और इस रिलेशनशिप में फन, कैजुअल मोमेंट्स में भी फ्रेंडशिप्स आपका बहुत ज़्यादा गहरा होता जाएगा किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ। एक नई शुरुआत हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, कुछ नया आइडियाज़ आ सकते हैं आपके मन में, एंड डेफिनेटली वो चीज़ काम करेगा, ठीक है। एंड आई नीड टू मेक यू अवेयर ऑल्सो एट द सेम टाइम, यहाँ पे ना आई डू फाइंड कि अगर आप सीरियसली कोई रिलेशनशिप में हो एंड बहुत टाइम से हो, एंड यू आर हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप में हो या लिव इन रिलेशनशिप में हो, सो आई टोल्ड यू पहले भी कि मैंने उस चीज़ को देख के बताया था कि बेबी प्लानिंग आपका हो सकता है, ठीक है, आप मे बी यू आर प्लानिंग और वो सक्सेसफुल हो रहा है, आप ट्राई कर रहे थे बहुत समय से, ओके, फॉर अ बेबी एंड देन यू कैन कंसीव, हो सकता है कि आप डॉक्टर का भी कंसल्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं भी आपको माँ बनने की इच्छा है, फीमेल हो आप, ठीक है, आपको लगता है कि हो गया शादी, अभी मतलब टाइम आ गया, अभी करियर में भी सेटल हो, अभी नाउ इट्स अ टाइम टू यू कैन से प्लान फॉर अ बेबी, सो इट इज़ हैपनिंग बिकॉज द एम्प्रेस कार्ड स्पीक्स अबाउट ऑल द थिंग्स। यहाँ पे थ्री है, एट है,
7 है, 2 है, 38 इज वेरी इंपॉर्टेंट एनी हाउ विच अगेन कम्स टू 11, 2 इम्पॉर्टेंट है एंड 12 इम्पॉर्टेंट है, 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो थर्ड डेट को, 11th डेट को कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी भी महीने में. ठीक है, कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से भी लग रहा है कि यस देर आर चांसेस टू गेन मोर वेट. ठीक है, सो आपको थोड़ा सा अपने फिजिकल जो एक्टिविटीज है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है. कहीं ना कहीं पे कुछ डिसीशन को लेके हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस भी आ रहे हैं एंड आपको पास्ट में जो प्रॉब्लम्स हुए थे उसको लेके आप थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन पे हो कि क्या मतलब फैसला रहेगा, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए रिलेशनशिप में. कोई कमिटमेंट आपको नहीं दे रहा है, बहुत लॉन्ग टाइम हो चुका है रिलेशनशिप में, हो सकता है 2 से ज़्यादा साल हो चुका है या 2 महीना हो चुका है या ज़्यादा ही साल लग रहा है मुझे, 2 साल से ज़्यादा ही लग रहा है. कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कि आप कुछ चीज़ के लिए वेट कर रहे हो एंड अचानक वो आपके लाइफ में आ जाए तो बढ़िया रहेगा. यू वॉन्ट टू रिकनसाइल या यू वॉन्ट अ न्यू रिलेशनशिप ऑल टुगेदर. तो न्यू रिलेशनशिप के लिए मैं अगर बताऊँ तो आपके सोलमेट आपके लाइफ में बहुत ही जल्द आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. ओके, इट्स अ एट ऑफ वैंड्स ओवर हियर. कहीं ना कहीं पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यस इट इज़ गोना कम. ठीक है, कहीं ना कहीं पे अचानक से, मैंने आपको बताया था आज का टॉपिक है अचानक से, अनएक्सपेक्टेड वे में. एंड एट ऑफ वैंड स्पीक अबाउट वेरी फास्ट वेरी फास्ट वेरी फास्ट. ठीक है, एंड विद दिस मे बी यूनियन हो रहा है आपका, रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है, न्यू पार्टनरशिप्स हो रहे हैं एंड यू विल बी वेरी एक्साइटेड. बहुत खुश हो गए आप, बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक आपको पार्टनर मिलने वाले हैं, काफ़ी केयरिंग नर्चरिंग. लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी होगा जो आपको स्टक रख सकता है. ठीक है, यहाँ पे देखो विद द हैंग्ड मैन एंड विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 5 ऑफ कप्स. ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपको लगेगा कि मैं क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं निकल पा रही हूँ. या कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसा हो सकता है कि आप कर रहे हो लेकिन अननेसरी वो डिले हो रहा है. तो इस चीज़ का कुछ कुछ नेगेटिव जो आप बोलते हो कि बता देने का साथ साथ, तो वो बता देने चाहिए. एज अ क्लैरिफाइड आई डू थिंक सो कि मुझे आपको आगाह करने चाहिए. कहीं ना कहीं पे पास्ट एनर्जीज पे रहते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको आप जितना जल्दी, ठीक है, डिलीट करो अपने लाइफ से. जिस तरह से हम कुछ अनयूज्ड डेटा को अपने कंप्यूटर से, अपने डेस्कटॉप से डिलीट कर देते हैं, ठीक है, लैपटॉप से डिलीट कर देते हैं, इवन मोबाइल से भी डिलीट कर देते हैं, तो उस तरह से आपको डिलीट करना पड़ेगा कुछ मेमोरीज, कुछ यादें जो और नो लॉन्गर आपके लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं रखते. फिर भी वो आपके डिसीजन है. यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो मैं एनर्जीज रीड कर रही हूँ, वो आपको स्टक रख सकता है और वो इस एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप में जाने से आपको रोक सकता है. बिकॉज नेगेटिव एनर्जीज हमें पुश नहीं करता है, वो हमें पुल कर देता है. ठीक है, नेगेटिव वर्ल्ड में चले जाते हम, फिर हमको लगता है कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, इस तरह से ऐसा होता है. सो यू शुड थिंक अबाउट इट. ठीक है, यू शुड ऑलवेज थिंक वॉट यू विल डू, क्योंकि आपके पास आ रहा है एक्साइटिंग रिलेशनशिप एंड यू विल एंजॉय विद दैट पर्सन. ठीक है, अभी देखो ये इंसान हो सकता है कि आपके पास से जुड़े हुए हो, मे बी अगर ये अपने या आपके कार्मिक है रिलेशनशिप. ठीक है, कुछ वजह से ऐसा कुछ हुआ था, ऑल ऑफ अ सडन कुछ ब्रेकअप हुआ, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कुछ हुआ, तो देयर आर चांसेस ऑफ रिकन्सिलिएशन. ठीक है, लेकिन अपने आप को आपको रोकना नहीं है, यू शुड मूव फॉरवर्ड ओके विद द थिंग दैट यू फील इट नेसेसरी. ओके, अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू? यस, पेशेंस. ओके, अगेन 36 विच कम्स टू 9, हंगर 29 अगेन कम्स टू 11. नाउ 11 डेज या 11 वीक्स में कुछ तो हो ही सकता है गाइज. एक्सेप्टेंस 4 आपके लिए ऐसा है कि यस, सेल्फ लव. ऐसा बोला जाता है कि सेल्फ हीलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड. खुद को हील करना सीखे, ठीक है, खुद को अच्छा रखे, खुद को अच्छा महसूस करे. कुछ फूल को मैंने आपको कभी मतलब बहुत बार टिप्स भी दिया है, फ्लावर्स रखे घर में, चेंज करे उसको, फ्लावर्स के फ्रेग्रेंस अपने शरीर पे दे, उससे शुक्र बहुत अच्छा होता है. शुक्र ऐसा प्लैनेट है जो वेनस, इट्स नंबर द 6,
डेफिनेटली. और मैंने आपको, मैंने देखा भी नहीं, विश्वास करो मैंने देखा भी नहीं, नंबर सिक्स था. द नंबर सिक्स ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द बेस्ट थिंग्स, आवर लाइफ, लग्जरी, कम्फर्ट, ठीक है, सेक्स, आवर एडल्ट लाइफ, ठीक है, कहीं ना कहीं पर हमारे लाइफ स्टाइल, हमारी जिंदगी, ठीक है, डेफिनेटली ब्यूटी, कॉन्फिडेंस लेवल, पर्सनैलिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई द नंबर सिक्स. आवर इवन आवर सेल्फ एस्टीम, भले ही वो नंबर वन पे आए, लेकिन कुछ ना कुछ ये इफेक्ट कर ही देता है. शुक्र, ठीक है. तो आपको खुद को प्यार करने चाहिए, ना कि वेट करने चाहिए कि लोग क्या. आप खुद को प्यार करके देखो, ये जो चेंजेस है, आप खुद दिन के दिन आप जाएंगे ना, डे बाय डे यू विल फील इट, आप महसूस करोगे, यू विल फील बेटर. आप दो दिन करके देखना, दो नहीं तीन दिन करके देखो, खुद को सजना सवरना करो, ठीक है. ऑर्गेनिक चीजें यूज करो, हर्बल टी पियो, ठीक है, कहीं ना कहीं पे जो आपके लिए अवेलेबल है. मैंने आपको एक टॉनिक भी बताया था, हर्बल टॉनिक, वो भी पीना है आपको, ठीक है. एंड डेफिनेटली लिसन टू सॉन्ग्स जो आपको बेस्ट लगे, लेकिन सैड सॉन्ग्स नहीं, ठीक है. तो वो आपको और भी वो अंधेरा दुनिया में हो सकता है लेके जा रहा है, वो नहीं करना, ठीक है. लिसन द सॉन्ग्स जिसका रिदम आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है. और दूसरा चीज है कि मेडिटेशन करना बहुत ही अच्छा है, अगर कर सकते हो तो अच्छा, वरना योगा करो, ठीक है. कुछ मॉइस्चराइजर्स लगाओ, सुगंध लो, फ्रेग्रेंस लो, ठीक है. और कैंडल के सामने जो एरोमेटिक कैंडल है, उसको, दिया को या कैंडल को लगाओ वहां पे, ठीक है. टी लाइट्स को लगाओ, सुंदर रखो अपने घर को और अपने आप को भी, यू फील बेटर, ठीक है. यहाँ पे देखो हंगर है, भूख लगता है सब इंसान को, क्योंकि हम इंसान है, फिजिकल बॉडीज, तो तलब लगेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक्सेप्टेंस होगा, ठीक है. गाइडेंस आपको मिल रहा है, कुछ ऐसा ऑफर्स आपके पास आ सकता है, करियर में, प्रोफेशनल लाइफ, आपके लव लाइफ में, जहाँ पे खुद वो इंसान आपको अपने जिंदगी में एक्सेप्ट करने वाले, आप भी एक्सेप्ट करने वाले, बोथ साइड, ठीक है. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ऐसा जो भी आपके अंदर अनफुलफिलमेंट है, मतलब नहीं हुआ, डिजायर्स फुलफिल नहीं हुआ, ठीक है, तो वो चीज होगा जरूर. आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, और आपको प्यार करने की जरूरत है, खुद को इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस. आई होप यू हैड एंजॉयड इट विद द टिप्स दैट आई हैड गिवन. प्लीज डू फॉलो दैट, ठीक है. अगर जैस्मिन फूल है तो उसको लेके आना है, ठीक है. तो उसको, उसका सुगंध लो, कितना अच्छा फील होगा आपको. छोटा सा एक फ्लावर लेके आओ, थोड़ा देख लेना इंसेक्ट है या नहीं, फिर सूख लेना, ठीक है. एंड बिफोर नाइट यू कैन अप्लाई द परफ्यूम्स एंड गो टू स्लीप. नहा धोने के बाद उसको अप्लाई करो और सो जाओ, ठीक है. एंड थैंक यू कर दो यूनिवर्स को. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू यूनिवर्स.